वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आईफोन में मान के चलिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, लेकिन हम उसमें इंस्टेंट मैसेज अगर हमें करना है, इंस्टेंट वीडियो मैसेज, तो कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो मैसेज बेसिकली अगर हम किसी को करते हैं तो डायरेक्टली वो मैसेज रहता है। अब वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इनेबल करना पड़ेगा अपने आईफोन के व्हाट्सएप में उस फीचर को। तो इसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा अपने आईफोन के व्हाट्सएप में। ठीक है, यहाँ पर हम सेटिंग्स में चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे जाएगा चैट। चैट्स पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीचे इंस्टेंट वीडियो मैसेजेस दिख जाता है। जैसे ही हम इंस्टेंट वीडियो मैसेजेस को इनेबल करते हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्टली ये बंद आता है। ठीक है, एंड्रॉयड में वैसे चालू कर ऑटोमेटिक आता होगा शायद, लेकिन इसमें करना पड़ता है। अब यहाँ से बैक कर दीजिए और चैट्स में लाइए इसे, और किसी भी चैट्स में आप क्लिक करके इसे खोल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये माइक का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम इस पर एक दफ़े टिक करते हैं तो ये वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ही वीडियो रिकॉर्ड होने लग जाती है। ठीक है, अब जितनी भी देर की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ही डायरेक्ट चली जाएगी। तो ये हमारी जो है वो वीडियो मैसेज है, इंस्टेंट वीडियो मैसेज। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।